बारिश पड़ रही थी रात को कोई, एंड बुखार था 103 प्लस, बारिश में ही भीग रहा था, पड़ रहा था, मुझे लग रहा था कि शायद अब तो सांस बंद हो जाएगी, अब मुझे नहीं लगता कि बच पाऊंगा एंड ऑल दैट। ना शाजी खान का करंट स्टेटस क्या, सिंगल कमिटेड या चोरी चोरी गुपचुप वाला प्यार, प्यार कुछ कुछ चल रहा है क्या? क्या करूं यार, दरअसल बात यह है कि यही वजह है कि मैंने अभी तक शादी भी नहीं की, कि यह फिजा उसे भी मेरी याद दिलाती होगी, मेरी याद उसकी आंखों का नम कर जाती होगी, सहम जाती होगी हर वो छोटी सी आंख से, दूर होकर ही सही होनी चाहिए। जब मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जब फुटपाथों पे भी रहा हूँ कुछ टाइम, कुछ ऐसे वक्त आ गया, अच्छा ऐसा वक्त था कि जब फुटपाथ पे भी रहना पड़ा। हाँ, बट ये बात शायद मेरे अपने किसी को पता भी नहीं होगी, ये बात मुझ तक रहे हैं तो बेहतर है, किसी और की आंखों में मेरी वजह से आंसू आ जाएं या नम हो जाएं तो बर्दाश्त नहीं होगा। नमस्ते आदाब सत श्री अकाल की हाल चाल, आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। और आज के एपिसोड में जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो मेरे वन ऑफ द फेवरेट गेस्टों में से हैं जी। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत अच्छे कॉमेडियन, बहुत अच्छे राइटर, बहुत अच्छे पोइट, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको इतनी खूबियां बख्शी हैं कि मैं क्या बताऊँ आपको, ज्यादा बताने लगूंगा तो ये इंटरव्यू बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम उन्हीं के मुँह से सुन लेते हैं। शाजी भाई क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल बढ़िया, आप सुनाए कैसे हैं आप? बस अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं कि यार सबसे पहले ना मैं बात शुरू करना चाहूंगा, ये ना बाइक आपकी जो यार मतलब जम्मू में बहुत फेमस है बाइक आपकी, मतलब ऐसी मॉडिफिकेशन दूर से, मतलब कोई बंदा हो ना बहुत दूर से उसको पता लगता है शाजी आ रहा है, शाजी की बाइक आ रही है, क्या सोच थी इस बाइक के मतलब बाइक के पीछे आपकी? दरअसल एक्चुअली बाइक को सच कहूं तो मॉडिफाइड नहीं है, बेसिकली बाइक को मैंने थोड़ा इस तरह से बनाया कि बाइक जो है हर एक बात के लिए, हर एक चीज के लिए कंफर्टेबल हो, और हर चीज मैंने अंडर रूल रखी हुई है कि मतलब कोई भी चीज हो, क्योंकि और जो छत वगैरह लगी है वो परमिशन भी उसके साथ में बनाई, और ये बेसिकली जब कभी एक दौर था मेरा जब मैं फुटपाथों पे था या रास्ते पर था तो बाइक देखता था एवेंजर में स्कूल टाइम से, तो मुझे बहुत पसंद थी। अच्छा, एवेंजर या क्रूज टाइप बाइक जो होती, तो एक सपना देखा था कि कभी एक बाइक अपने दम पे और अपने तरीके से एक ऐसी बनाऊंगा कि जो सबसे हटके हो, सबसे अलग हो, और आज बस बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड मेरी माँ की दुआओं की वजह से हो गया पूरा सपना। अभी आपकी एक मूवी आई थी जी, उसके बारे में कुछ बात करेंगे आप? बिल्कुल, मौज मस्ती सच कहूँ तो मेरी लाइफ का बहुत ही तगड़ा एक्सपीरियंस है, तगड़ा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत मेहनत लगी थी, बिकॉज डोगरी आती नहीं थी, लेकिन हरी सर ने, संदीप भाई ने, प्रवेश भाई, राकेश भाई वगैरह जितनी भी टीम थी हमारी उसके मूवी की, उन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया मुझ पर, और उन्होंने और इवन कि जो हरी सर स्पेशली डायरेक्टर जो हमारे थे हीरामणि सर, उन्होंने मेरे अंदर एक विलन देखा। अच्छा? या उसमें मैंने विलन का करेक्टर किया, और वो भी जितने बुरे काम थे ना वो सब के सब करवाए गए मुझसे। अच्छा शाजी भाई, ये जैसे थिएटर में तो आप बहुत देर से हैं, थिएटर की दुनिया और फिल्म की दुनिया मतलब कितना डिफरेंस है? मतलब जैसे जैसे मैं जानता हूँ कि थिएटर में वन टेक है एंड मूवीज में आपको रीटेक्स का चांस मिलता है, तो आपको ज्यादा इजी क्या लगा? कैमरा बहुत इजी है, फ्रैंकली बोल रहा हूँ, सच में बोल रहा हूँ, कैमरा इतना इजी है, इतना इजी है कि कैमरा कोई भी कर सकता है, इवन कि डायरेक्टर अगर अच्छा हो ना तो सड़क पे चलते चलते किसी भी बंदे को स्टार बना देगा कैमरा। हाँ रियली बोल रहा हूँ, आप कैमरा बात कर रहे हैं? हाँ मैं ऑन कैमरा ही ये बात बोल रहा हूँ, और ये सच है। अच्छा शाजी भाई, आपका एक शो है चुप कर, जिसको आपने लिखा भी आपने खुद है, बहुत मैंने नाम सुना है, मतलब क्या ऐसा जुनून सवार था कि इतना बहुत भरपूर कॉमेडी से भरपूर आपने कुछ ऐसा लिखा? सच बोलूं तो वो शो भी ना मजाक में शुरू कर हो गया था। अच्छा? हाँ, मैं आदित्य भैया, ऋतु दी वगैरह, हम सब इन शो में मिलके काम करते थे, सारे साथ में मिलके, तो बस मजाक में ही शुरू किया था और मजाक में लिख दिया, और जब लिखा तो लोगों को बहुत पसंद आया, और चुप कर आई थिंक जम्मू का पहला ऐसा शो था कि जिसकी टिकट्स मुंबई में भी जब शो हुआ तो उसकी टिकट्स बुक माई शो पे ऑनलाइन दिखी। अच्छा? हाँ बिल्कुल, एंड आई वाज द फर्स्ट राइटर आई थिंक जम्मू से कि जिसकी बुक माई शो पे इस तरह से वो टिकट्स बिकी थी। आज से ये 4 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको, अभी की नहीं बता रहा, 4 साल पहले, 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ, और काफी हिट शो, और जितने भी शोज गए उसके सारे हिट गए, और इवन की डिमांड पर फिर मैंने उसका सेकंड पार्ट लिखा, और सेकंड पार्ट भी मुझे नहीं लगता कि जब हमने सेकंड पार्ट मैंने उसका किया था कि ऊपर नीचे दोनों में कहीं पे भी कोई जगह थी, लोग खड़े हुए थे, कुछ बैठे हुए थे,
तो मतलब लोगों ने इतना प्यार दिया है चुपकर को। अच्छा शाजी भाई, जैसे सब आपको जानते हैं कि फनी हो, कॉमिक हो, कॉमेडी में आपका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता जम्मू में, तो ये मेरा नाम जोकर का जो टैग है, इसके पीछे की क्या स्टोरी है? मेरा नाम जोकर की, सच बोलूं तो आज मैं कभी भी सोचता हूँ कि मैंने मुझसे बड़े लोगों ने ये सवाल पूछा तो मैं हमेशा ये कह के डाल देता हूँ कि यार हर एक्टर जो एक जोकर ही है उसकी जिंदगी में इतना कुछ चल रहा है ना उधर। लेकिन ये कंसेप्ट पता है कहाँ से शुरू हुआ? मैं बड़ी मुख्तसर से स्टोरी है, आई होप कि किसी को, कुछ लोगों को इंस्पायर हो जाए इससे, कि मैं बेसिकली डोडा भदरवा से हूँ और एक वक्त था वहाँ पे, मतलब जब डोडा भदरवा में शायद किसी को एक्टिंग का नहीं पता था, तो तब वहाँ पे मैं एट क्लास में पढ़ता था, तब की बात कर रहा हूँ कि मैं तब वहाँ पे एक सेलब की तरह था क्योंकि मिमिक्री करता था, पूरे डोडा में मशहूर था, बहुत सारे दोस्त थे, ऐसा कोई था नहीं जो जानता नहीं था। तो एक वो दौर था, उसके बाद कुछ ऐसी वजूहत हुई कि जम्मू आ गया, फिर अकेला रहा। तो एक दिसंबर की बात है आई थिंक, जब मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जब फुटपाथों पे भी रहा हूँ कुछ टाइम, कुछ ऐसे वक्त आ गया। अच्छा, ऐसा वक्त था कि जब फुटपाथ पे भी रहना पड़ा। हाँ, बट ये बात शायद मेरे अपने किसी को पता भी नहीं होगी ये बात, क्योंकि मेरा बड़ा मुख्तसर सी बात है कि मैं कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपने तक ही रखना बेहतर समझता हूँ कि नहीं यार मुझ तक रहे तो बेहतर है, किसी और की आंखों में मेरी वजह से आंसू आ जाए या नम हो जाए तो बर्दाश्त नहीं होगा। तो तब क्या था कि माँ बाप से भी थोड़ा दूर था, रिश्तेदार सब हर रिश्ते से दूर था। तो दिसंबर की बात है क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ हो गई थी लाइफ में कि मतलब फुटपाथ पे आ गया मैं। दिसंबर की बात है, मैं सो रहा था फुटपाथ पे और बारिश पड़ रही थी रात को, कोई ये बात है आई थिंक रात को कोई 3 बजे की, 3:30 बजे की बात है। एंड बुखार था 103+, आई थिंक 103+ बुखार था, बारिश में ही भीग रहा था, पड़ रहा था। मुझे लग रहा था कि शायद अब तो सांस बंद हो जाएगी, अब मुझे नहीं लगता कि बच पाऊंगा एंड ऑल दैट। एंड आई वाज रिमेंबरिंग माय मॉम डैड एंड ऑल, रब वगैरह को कि यार ठीक है जो अब लाइफ में हुआ। आंख बंद होने ही वाली थी कि एक भिखारी था कोई वहां पे, मतलब उसी जगह पे, वो बेचारा आया, उसने मुझे देखा, वो आया मुझे उठाया, उसने वो एक जगह पे लेकर गया जहाँ सूखी थी, जहाँ पे बारिश नहीं पड़ी थी, वहां लेकर गया, अपना कंबल उड़ा दिया और बेचारा कहीं गया, कहीं से चाय लेकर आया स्पेशली, उसने मुझे चाय वाय पिलाई, देन मुझे होश सा आ गया। फिर जब मैंने उसकी तरफ देखा मैंने आई वॉज लाइक कि यार इस बंदे ने कि अगर मैं शायद कभी गुजर भी रहा होता मैं इसको देखता भी नहीं, या अगर देखता तो मैं घृणा करता यार क्या मैला कुचला इंसान है और क्या स्मेल आ रही है। तो तब एक बात का एहसास हुआ कि यार जिंदगी में पैसे कमा लो, कुछ नहीं कमाया, जिंदगी में अरबपति बन जाओ, करोड़पति बन जाओ, कुछ नहीं कमाया, लेकिन किसी इंसान को कमा लिया तो आपने सब कुछ कमा लिया। बस उस दिन से सोचा कि यार कुछ ऐसा करना है कि जब भी जहां भी चढ़ूं, स्टेज पे जाऊं, कहीं भी कुछ भी करूं, मैं जाऊं कहीं भी, लोग बस मुस्कुराए। उस टाइम ना शाजी खान का करंट स्टेटस क्या है, सिंगल, कमिटेड या चोरी चोरी गुपचुप वाला प्यार, कुछ कुछ चल रहा है क्या? क्या कहूं मैं, दरअसल बात यह है कि यही वजह है कि मैंने अभी तक शादी भी नहीं की, क्योंकि मैं बड़ा सीधा बंदा हूँ यार, कि अगर किसी से वादा कर दिया ना तो कर दिया, तो क्या वो मेरा नहीं हो सकता। अच्छा, मतलब कोई हिडन प्यार, कोई पुरानी चोट, मतलब नाम डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं, मतलब ऐसा कुछ था कभी? मत पूछ हाले दिल मुझसे मेरे दोस्त, इसमें कुछ पर्दा नशीनों के नाम भी है। क्या बात है, क्या बात है, मतलब एक शायरी में ही, मतलब मेरे को लग रहा है कि सारा जवाब दे दिया। हाँ सच बात है, उनके उस इस बात पे तो सच कहूँ तो एक बड़ी प्यारी सी एक नज़म लिखी थी कि ये फिजा उसे भी मेरी याद दिलाती होगी, मेरी याद उसकी आंखों को नम कर जाती होगी, सहम जाती होगी हर वो छोटी सी आहट पर, दूर होकर ही सही हो मुझे मिलाती होगी। अरे क्या बात है, इतना यकीन है मुझको अपने मोहब्बत पर, वो लिख लिख के नाम मेरा अक्सर मिटाती होगी, कितना सताया है मुझे, कितना रुलाया है मुझे, याद करके मुझे वो नजरें झुकाती होगी, ऐसी वफा न उससे की है किसी ने अब तक, ये सोचकर हमेशा वो आंसू बहाती होगी। लेकिन आबिद भाई उसकी फिक्र है आज भी शाजी न जाने क्यों, हाले दिल वो अपना किसको सुनाती है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाईजान, क्या बात है। हाँ सो मतलब फिलहाल आप सिंगल हैं, शादी का कोई मूड नहीं है? मस्करे तो दिल लुभाने की चीज है, मस्करों से दिल को लगाया नहीं जाता हम तो बस दिल बहलाने की चीज है। हम वो हैं जिसे बाहर दुकान के बाहर खड़े हो के लोग, वो खिलौने की दुकान के बाहर खड़े हो के खिलौनों को निहारते हैं ना, देख के खुश होते हैं, लेकिन घर भी ले जाते हैं कई बार उस खिलौने को, लेकिन जब वो एक वक्त के बाद उस खिलौने से दिल भर जाता है, उसके बाद वो या तो टूट जाता है या फिर कहीं किसी कोने में पड़ा रहता है सजावट के लिए, दैट्स इट।
चोट पे चोट कर रहे हैं, चोट पे चोट कर रहे हैं, जो एपिसोड देख रहे हैं बेचारे दिल टूटे आशिक वन साइडेड लवर जो है। नहीं वन साइडेड नहीं है ये सच है। नहीं मतलब आपका वन साइडेड नहीं, बट ऑडियंस में अब जो हो सकता कुछ वन साइडेड भी हो उनको चुप रही। काश ये वन साइडेड होता है यार, वन साइडेड मोहब्बत का मजा ही अलग है भाई। ऐसा क्यों मानते हो? मैं रियली मानता हूँ, क्योंकि इस वन साइडेड लव में आपको ये तो पता होता ना कि आपने प्यार किया है उसने नहीं किया, तो तकलीफ नहीं है। शाहजी खान से बहुत लंबी चौड़ी बातें हो गई, कुछ सीरियस बातें हो गई, कुछ कॉमिक बातें हो गई, अब खेलेंगे हम रैपिड फायर। सो पहला क्वेश्चन आपका, अगर आपको मौका मिले अपना नाम चेंज करने का तो क्या करोगे आप? जोकर। जोकर, मेरा नाम जोकर। इंडियन म्यूजिक पसंद है कि वेस्टर्न? इंडियन। सिंगल या कमिटेड में से तो हमें पता लग गया, फिलहाल सिंगल चल रहे हो तो कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड या बचपन का कोई ऐसा डर जो अभी तक सताता हो? माँ को खोने का, बाप को खोने का, और अभी भी चल ही रहा है, खो चुका हूँ। शायरी आप माशाल्लाह बहुत अच्छी करते हो, पोइट्री भी लिखते हो आप। आपने कभी ऐसा हुआ है कि किसी फ्रेंड ने आपको बोला शाजी शाजी मतलब यार कोई पोइम लिख दे, कुछ लाइनें लिख दे, इंप्रेस करना है? अरे बड़ी बार मेरे अपने कजिन भांजे मेरे कुछ और दोस्त यार बड़ी बार उन्होंने ऐसा किया। कई बार तो मैंने जब डाल दी तो उसके बाद चिपका के मुझे बोलते हुए बताना नहीं प्लीज तेरे को उस आईडी से ब्लॉक करवा रहा हूँ, ये मैं अपना नाम लिख के पीछे डाल दे यार। अच्छा एक्टिंग के अलावा और राइटिंग के अलावा शाहजी खान में और क्या टैलेंट है? एक्टिंग राइटिंग मुझे खुद नहीं पता। सो ये थी हमारी बात शाहजी खान के साथ। तो जाने से पहले शाहजी जी कुछ हमारे ऑडियंस को अपनी एक टैलेंट का एक नमूना दिखा दीजिए। शायरी तो आप सुना चुके हैं बहुत सारी, थोड़ा सा दो लाइनें अपनी किसी प्ले का या किसी चीज़ का अगर आप परफॉर्म करके बता दें हमारे ऑडियंस को तो। क्या कहा तुमने? छोड़ दूं? कैसे छोड़ दो? क्या ये समंदर अपनी लहरें छोड़ सकता है? क्या वो खुदा अपनी खुदाई छोड़ सकता है? क्या तुम जिंदा रहते हुए सांस लेना छोड़ सकते हो? तुम कहते हो कि छोड़ दो। कभी सवाल पूछे हैं तुमने खुद से? ऐसे सवाल जिनके जवाब तुम्हारे पास नहीं, लेकिन फिर भी सुबह उठ के आईने में देखकर खुद से तुम सवाल पूछते हो। तुम कहते हो कि छोड़ दो। वो तुम्हारे लिए बस एक वक्फा थी, एक वक्त था जो आया और गुजर गया, लेकिन मैं उसे कैसे छोड़ूं? कहां जाऊं उसको छोड़ के? मेरे घर के कोने कोने में, रेशे रेशे में वो मौजूद है। मेरे तकियों में आज भी उसके आंसुओं की सौंधी सी खुशबू है। तुम कहते हो कि छोड़ दो। ऐसे लगता है आज भी उसी खिड़की के पास खड़ी होके वो चांद को निहार रही है, बिल्कुल वैसे जैसे खिलौने की बाहर दुकान के बाहर खड़ा होकर कोई बच्चा खिलौनों को निहारता है। छोटी छोटी आहट पर सहम जाता, लगता है वो आ गई। लगता है आज भी किचन में खड़ी मेरे लिए खाना बना रही है, मगर अफसोस कि अब इस घर में किसी को भूख नहीं लगती और तुम कहते हो कि छोड़ दो। मजा आ गया भाई साहब, मजा आ गया शादी भाई, मजा आ गया यार। सो कैसा लगा आपको हमारा ये एपिसोड प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। शादी भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।